प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर टू ईयर टू ईयर की कुछ एक्टिविटीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज सी द फुल वीडियो। सो बच्चों, हमारा जो टॉपिक था वो पैट डॉग और पैरेट के बारे में था, तो ये हम नंबर से बनाएंगे। पहले नंबर 6, तो हमने ये 6 ड्रॉ किया। इसके आगे ही नीचे 6 नंबर, फिर ऊपर 2 और नीचे 1। तो आप देखो, ये 4 अंकों से हम अपना पेट डॉग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपने सभी ने इस बुक में अपना पेट डॉग क्या करना है, ड्रॉ करना है। फिर एनी कलर, आप कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये हुई इसकी टेल। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, टंग निकालेंगे। तो ये हमारा क्या बना, पेट डॉग, ठीक है। आगे हम क्या बनाएंगे, पैरेट। पैरेट हम 1 नंबर से और 2 नंबर से बनाएंगे। तो देखो बच्चों, आपने ध्यान से बनाना है। ध्यान से देखो, हमने कैसे पैरेट बनाना है। पैरेट, पैरेट क्या होता है, ग्रीन कलर का। तो आप इसमें ग्रीन कलर भी कर सकते हो, डॉग में कोई भी कलर कर सकते हो। देखो ध्यान से हम कैसे पैरेट बना रहे हैं। आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि ऐसे ड्रॉ करना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर ये नंबर से आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, मिट्ठू। तो ये हमारे 2 पैट बन गए। जिसने पैट डॉग लिखा है वो डॉग बना ले, और जिसने पैरेट लिखा है वो पैरेट बना ले। तो अब हम पिकॉक बनाएंगे 2 नंबर से। तो ध्यान से देखो, 2 नंबर आपने थोड़ा सा ऐसे लार्ज करना है, बड़ा बनाना है। तो फिर हम 3 बनाएंगे उल्ट उल्ट। तो 3 कभी हमने सीधा बना दिया, कभी इसको उल्टा बना दिया। ये इसके क्या बनेंगे, फैदर्स, पंख बनेंगे। तो हमने ये टॉपिक में पढ़ा था, जो वर्ड्स होते हैं वो ले एग्स करते हैं, उनके टाइनी होल्स होते हैं ईयर की जगह, और वो क्या करते हैं, ले एग्स। तो 2 नंबर से हम पिकॉक बनाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा पिकॉक, ये इसके क्या है, पैर। तो ये हमारे क्या बने, और आप इसमें क्या कर सकते हो, ये पंख हो गए इसके फैदर, इसमें आप ब्लू और ग्रीन कलर कर सकते हो। तो बच्चों, ये जहाँ पे हमारा पिकॉक का क्वेश्चन है वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जैसे ब्लू और ग्रीन होता है ना, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो पिकॉक है वो क्या है, हमारा नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो आप ऐसे कवर कर सकते हो, ये इसके पंख हुए। तो ध्यान से बनाना है, आप कलर करोगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ध्यान से, ये हमारा पिकॉक बन गया। एक पिकॉक हम हैंड्स को पूरा ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, वो बहुत इजी है। तो बच्चों, हम हैंड से भी पिकॉक बना सकते हैं। ये देखो, आप हैंड को पूरी तरह से ओपन करोगे, ध्यान से बनाना है। तो देखो, हैंड से ये हमारा पिकॉक बना, ध्यान से देखो। तो जो ये हमारी फिंगर्स है, ये क्या बनेंगे, इसके फैदर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर कर सकते हो, और नीचे हम इसके क्या दिखा देंगे, नीचे पैर दिखा देंगे इसके, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे भी पिकॉक बना सकते हो। तो ये क्या है, हमारा चैप्टर 2 ईयर टू ईयर में कुछ आप ऐसे पेट डॉग, जैसे कि डॉग, पैरेट और पिकॉक। और अब हमें क्या बनाएंगे, रैबिट। रैबिट के कान क्या होते हैं, टॉप ऑफ द हेड। अब हम पेपर प्लेट से क्या बनाएंगे, रैबिट बनाएंगे। तो ये देखो, ये मेरी लॉन्ग है, इसको हम, ये थोड़ी बिग है, बिग प्लेट को हमने इसको ऐसे किया। तो यहाँ पे ये इसका क्या बन जाएगा, फेस। एक पेपर प्लेट मेरे पास इस तरह से ही, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इसके क्या बनेंगे, ईयर बनेंगे। ये देखो, दोनों को हाफ हाफ क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, फिर सीजर से कट करेंगे। तो ये सीजर का काम आपने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करना है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कान। तो कान कहाँ पे लगेंगे, ये देखो, आपको लग रहा है ना रैबिट, ये कान हम इसके क्या करेंगे, क्योंकि रैबिट के कान हमने चैप्टर में पढ़ा था, टॉप ऑफ द क्या होते हैं, हेड। अब हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले हम इसकी आईज बनाएंगे। तो आप आईज इसकी क्या होती हैं, एक रेडीमेड भी आती हैं जो हम टेडीज में लगाते हैं। तो आप इस तरह से इसकी आईज स्केच से भी बना सकते हो, ब्लैक स्केच से, ठीक है।
और कॉटन से इसकी क्या बनाओगे, नोज बनाओगे। ये देखो मैंने कॉटन को थोड़ा सा इस तरह से गोल कर लिया है, तो यहाँ पे इसको फेविकोल से क्या करोगे, चिपकाओगे। तो आप पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो, पिंक, वाइट और भी कोई भी एनी कलर यूज़ कर सकते हो और इनमें कलर कर सकते हो पेपर प्लेट में। तो ये देखो ये इसकी क्या बन जाएगी, नोज। ठीक है, अब हम इसकी क्या दिखाएंगे, थोड़ी सी मूंछें दिखाएंगे रैबिट की। ठीक है, थोड़े से क्या दिखाएंगे इस पर, हेयर दिखाएंगे, क्योंकि रैबिट रैबिट क्या करता है, एक एनिमल है। और क्या होती है रैबिट, क्या करता है, बर्थ टू बेबी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रैबिट और इसके क्या कर देंगे हम, यहाँ पे कान चिपका देंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे फेविकोल लगा कर आप इसको जितना मर्जी क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फेविकोल लगा लिया और रैबिट के कहाँ कहाँ होते हैं, टॉप ऑफ द हेड। तो ये यहाँ पे हमने अच्छी तरह से चिपका लिया। अब ऐसे ही दूसरा कान चिपका लेंगे। ये देखो ये इस तरह से थोड़ा सा इनके बीच में क्या रखेंगे, गैप रखेंगे। तो ये हमारा रैबिट और ये थोड़ा सा आप इसको दबा के रखना ताकि ये कान क्या हो जाए, इसके जुट जाए। तो ये हमारा हुआ रैबिट। आप इस पे कोई भी एनी कलर कर सकते हो, पिंक, ब्राउन और रैबिट को और सजाने के लिए। तो बच्चों ये थी हमारी चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी जिसमें हमने एनिमल्स के ईयर्स के बारे में पढ़ा था। तो आप बच्चों ये बना के देखना, पैरेट, पैट डॉग, पपी और रैबिट, पिकॉक और कुछ भी और जो आपको एनिमल आता है तो आप ऐसे बना सकते हो। तो बच्चों क्राफ्ट पेपर से भी हम क्या बना सकते हैं, एक पेट डॉग बना सकते हैं। ये हमारा क्राफ्ट पेपर हुआ, ये क्या है, स्क्वायर शेप में। अब इसको हम फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। तो इसको हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया, अब हम इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। ये इसकी आइज हुई और नोज बनाएंगे, ये देखो ब्लैक से और रेड से। नीचे इसकी क्या बनाएंगे हम, नोज, ये होता है ना डॉग। तो ये भी एक क्राफ्ट पेपर से हमने क्या बनाया, डॉग बनाया। तो ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो डॉग के लिए। तो बच्चों हमने कुछ एनिमल्स बनाए जिसमें हमने एनिमल्स के ईयर के बारे में पढ़ा। मेक योर ओन वर्ड, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम इस स्क्रैप बुक के कागज से क्या बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे। ये रेक्टेंगल शेप में है, पहले हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो आपने बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में इसे फोल्ड करना है, इस तरह से प्रेस कर सकते हो, फिर फोल्ड करोगे। और अब इसको रेक्टेंगल शेप में, जैसे ये देखो, आप इसको पेंसिल से भी कर सकते हो ऐसे ड्रॉ लाइन। अब जो नीचे का पार्ट है ये हम ऐसे कट करेंगे, ये जो बीच में सेंटर में लाइन है इसको हम क्या करेंगे, सीजर से अपने पेरेंट्स की हेल्प से कट करेंगे। देखो ध्यान से इसको कट करना है, अपने पेरेंट्स की या एल्डर ब्रदर सिस्टर की हेल्प करनी है। तो ये हमारे पास आ गई एक ट्रायंगल। ट्रायंगल अब हम इसका क्या करेंगे, ये देखो टॉप से क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये इसकी वर्ड की क्या बन गई, बीक बन गई। ठीक है, चोंच बन गई। तो अब हम ऑपोजिट साइड से इसको फोल्ड करेंगे, वन बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारी बीक हो गई और ये हमारा एक वर्ड बन गया थर्ड स्टेप। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो लास्ट का पार्ट है ना, ये जो फालतू पार्ट है, इस नीचे के बॉटम पार्ट को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, इसको हम कट करेंगे सीजर से। ठीक है, तो ध्यान से सीजर की हेल्प से आपने कट करना है। तो आपने सीजर खुद नहीं चलानी है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से जो अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर की हेल्प से सीजर को कट करना है। तो ये देखो अब ये जो ओपन हो रहा है ये इसके क्या बन गए, फैदर्स, पंख बन गए। ये देखो हमारा आधा पक्षी क्या हो गया, जो फर्स्ट ऊपर का स्टेप है ये हमारा क्या बन गया, बर्ड बन गया। तो आपने ये ट्राई करके देखना है। अब हम इसको दोबारा से फिर फोल्ड करेंगे, जैसे कि नीचे बुक में सेकंड स्टेप में दिखा रखा है, इस तरह से फेदर्स को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। अब बिल्कुल लास्ट वाला बुक में देखो, ये हमारा वर्ड हो गया तैयार उड़ने के लिए, है ना बच्चों। तो आपको मजा आया वर्ड बनाने में, तो आपने ये ट्राई करना है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर ईयर टू ईयर।